नाश्ता करने आए हैं अभी इस्लामाबाद में। यहाँ ये आई डोंट नो जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, बट फिलहाल रात को स्टे किया था पीडब्ल्यू सोसाइटी में, और अभी लोकेशन का नाम मुझे बिल्कुल सच में नहीं पता। तो अभी ज़रा अहमद भाई आ जाए हमारे साथ, जो जिनके हमने स्टे किया था, जिनके साथ स्टे किया था वो आ जाए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नाश्ते में क्या क्या यहाँ पर मौजूद है, तो फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है, चलते हैं नाश्ता करने के। गाइस फाइनली जो है वो फैसल मस्जिद हम पहुंच गए हैं, और ये आप देख रहे हैं, और इस वक्त हैवी बारिश के ऊपर हम देख सकते हैं। सुबह ये है फैसल मस्जिद, जो किंग शाह फैसल जो थे उनकी कुछ उनसे रिलेटेड कुछ इसी दास्तान है कि सुना है ऐसा कि उसकी इसकी फंडिंग वगैरह जो है वो किंग फैसल की वजह तरफ से ही कुछ हुई थी। तो अभी हम इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, और इसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी खास बातें, जैसे कि इस मस्जिद की खास बात ये भी कि भाई ये पिलर वगैरह इस मस्जिद में नहीं है, और जो आपको चार ये मीनार नज़र आ रहे होंगे इस पर ही सारा लोड वगैरह जो इसने लिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा इसको ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर ने इसके ऊपर जो है वो काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस्लामाबाद की बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जो इस्लामाबाद ने इस मस्जिद के लिए डेडिकेट की ड्यू टू सऊदीया और पाकिस्तान फ्रेंडशिप वगैरह। तो आई थिंक वी आर समथिंग जो स्किप कर रहे हैं, हाँ, तो वो देखें चांद भी है खूबसूरत ऊपर। तो फिलहाल आ गए हैं, अंदर जाके देखते हैं कि इसके बारे में जो मजीद डिटेल है वो देखते हैं कि कौन से इंजीनियर हैं जिन्होंने बनाई है, उस सारी डिटेल हम देखते हैं। बाकी ये है दारुल मुताल्लुक़ वगैरह चिल्ड्रन लाइब्रेरी वगैरह बनी हुई है अंदर, और इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो भी हम अंदर जाके देखते हैं कि और इसकी क्या खासियत है। और अहमद भाई चले गए अंदर, वरना उनसे हम पता करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। देखते हैं यहाँ पर ये
ये देखें यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ भी कि सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा फैसल मस्जिद की तामीर, फैसल शहीद बिन अब्दुल अजीज़ मुल्क सऊदी अरब की फैजाना पेशकश की महूम मन्नत है। मस्जिद का संग बुनियाद शवाल 139 बुध अक्टूबर 19 कुछ समथिंग लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो खालिद बिन अब्दुल अजीज़ मरहूम ने अपने दस्ते मुबारक से फरमाया, लाइक समथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारा इसका पोस्टर है जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये फैसल मस्जिद। और मस्जिद अंदर चलते हैं कि अंदर और क्या क्या है, चलते हैं। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ का टाइम भी होने वाला है, उसके बाद नमाज के बाद जो है फिर देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें। तो वो बैठे हुए हमारे दोनों साथी, तो ये सारा फैसल मस्जिद के अंदर का हिस्सा है और हम चलते हैं अपने दोस्तों के पास। हाँ मैं यही देख रहा था गांव उतारने, तो हाँ ठीक है ठीक है। बस तो बस यहाँ हम उतार देते हैं अपने शूज़ उठा लेते हैं हम, और हम आ गए हैं अभी और मस्जिद अंदर। कहाँ रखने, यहाँ चले, यहाँ रख देते हैं अपने शूज़। भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इस्लामाबाद जो फैसल मस्जिद है उसकी अजान आपको सुनने को मिलेगी। हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी सोच लो कि कैमरा इतना क्यों हिल रहा था, क्योंकि जो है ना वो गर्मी की शिदत इतनी ज़्यादा है कि एक मिनट भी खड़ा नहीं जाता आपकी वजह से। तो इस वजह से फिर हमने हिल हिल के क्यों, तो हम चलते हैं वापस नीचे। और वापस नीचे चलने के बाद यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि तो जो बजे था ना बना हुआ वो अराउंड एक वक्त में तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो है वो
कर सकते हैं। बस ये देखिए शाहजहाँ पूरा राउंड मौजूद खाना है। अच्छा अजान हो गई है और अजान के बाद हम चलते हैं अपना वजू करने, वजू कर लें, वजू करके फिर हम नमाज पढ़ेंगे। फाइनली जो है फैसल मस्जिद जो है वो आपका भाई अंदर के मनाज़िर दिखा रहा है आपको। ये आप पीछे बैक पे देख सकते हो, वहाँ पर जमात हो रही है, आपको नज़र आ रही है, और ये पूरी फैसल मस्जिद है। और ये सब आप देख रहे हैं, ये हम हैं, ये पूरी फैसल मस्जिद है। और ये हम चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको पूरा विज़िट करा दूँ कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यार बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत। मेरा मतलब बाहर से तो मैं एक दफ़ा होकर जा चुका हूँ, बट अंदर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए हमें टाइम नहीं मिला था। हम ब्लू एरिया में रुके थे और फिर हम जल्दी निकल गए थे, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला था अंदर तो लास्ट टाइम आने का। तो फ़िलहाल बस ये, और मैं आपको इसका पूरा एक एरियल व्यू लेके दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखें यार बहुत खूबसूरत जगह, बहुत सबसे जो है ना वो एक पार्ट दिखे वाला बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो मस्जिद के अंदर अब मैं मस्जिद ज़्यादा वीडियो बनाने का मतलब हक में भी नहीं हूँ, पर अब मुझे नहीं पता अच्छा है या आई डोंट थिंक मतलब, लेकिन एक प्लेस है ऐसी जिसमें हम वीडियो बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि हम भाई हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें हैं। तो आई थिंक अंदर का व्लॉग इतना ही इनफ है। फर्दर मोर जो है ना, आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा लगा व्लॉग, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, और फैसल मस्जिद अंदर से कितनी खूबसूरत लगी। जो लोग आ चुके हैं उनको तो बहुत पहला है, मतलब काफ़ी टाइम से जो आए हुए हैं या जिन्होंने बहुत टाइम हो गया नहीं देखा, तो अभी भी वो ही देख सकते हैं कि इनकी क्या करंट सिचुएशन है करंटली, और व्लॉग कैसा लगा, और इन्फॉर्मेशन, और इसमें और क्या मैं ऐड करना चाहिए था या क्या मैं भूल गया या स्किप हो गई, वो सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हो। तो अपनी कोशिश अच्छे से अच्छी कर रहा हूँ कि मैं इस टूर को इतना अच्छा बनाऊँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जगहें, ज़्यादा से डेस्टिनेशंस को कम्प्लीटली जो है वो व्यू करवाऊँ, कि जो लोग नहीं आ सकते हैं ख़ासतौर पर उनके लिए स्पेशली ये ब्लॉग में इतना डिटेल कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो एटलीस्ट कम से कम मेरे ब्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं। तो भाइयों दुआओं में याद रखो भाई को, और एट द एंड, एंड तो नहीं कहूँगा, और अब बस निकलते वक्त एक तो एक दो तस्वीरें ले लेंगे, और आई थिंक इतना इनफ है। और हर वीडियो की तरह जो हर वीडियो में हम लास्ट में बोलते हैं कि भाई डो नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन, तो बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और फैसल मस्जिद का व्लॉग बस निकलते वक्त हम इसको एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे ट्यून, नेक्स्ट व्लॉग्स आते रहेंगे। अभी तो बस इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की और जगह भी हैं, नेक्स्ट जो है व्लॉग और चीज़ों के आएंगे जो इस्लामाबाद। तो फाइनली भाई इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद का विज़िट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं किसी और डेस्टिनेशन के ऊपर। तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा, आपको कोई और जगह दिखाता हूँ इंशाल्लाह, देखते हैं अभी कहाँ का प्लान बनता है। तो इस्लामाबाद फैसल मस्जिद का व्लॉग होता है यहाँ पर इख्तिताम, और कीप वॉचिंग, टाटा, अल्लाह हाफिज़।